हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। मतलब भाई इतने दिन लॉन्च हुए हो चुके हैं ना इस कार को, लेकिन आज अपने चैनल पे तो पहली बार आ रही है, तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं इस कार को ओपन। और बाकी आप फ्रंट से देखिए चाहे साइड से देखिए, हर तरफ से मतलब एक फुल्ली सेटिस्फाइड लुक, एकदम बल्कि कार आपको देखने के लिए मिलेगी। अब तक क्या होता था टोयोटा की कार आप कभी भी लेते थे, क्या होता है रिलायबिलिटी मिलती है, इंजन पावर, यही सब चीज़ें तो देखी जाती थी ना। लेकिन आपको इस बार इसमें एक कटौती देखने वाली है, मिलने वाली है। ये आपको डीजल में नहीं मिलेगी कार, केवल ये आपको हाइब्रिड और पेट्रोल में देखने के लिए मिलेगी। और चीज़ों पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आपको ये मैनुअल में भी नहीं मिलेगी, केवल आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ ये कार देखने के लिए मिलने वाली है। भाई अगर फ्रंट से इसकी विड्थ की बात करें, फिलहाल तो गाड़ी चौड़ी ऊँची हर तरफ से दिख रही है। 1850 mm की हमें इसमें विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं आप चीज़ें ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, फ्रंट में आपको कैमरा भी पूरा 360 डिग्री कैमरा हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है। और अगर बात करूँ ना, जो आपको मारुति की इन्विक्टो यहाँ से कॉपी की गई है, भाई यार मारुति की इन्विक्टो क्या इनोवा हाईक्रॉस ही है वो भी, तो आप देखेंगे जो फॉग लैंप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वो फॉग लैंप्स हमें इन्विक्टो में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। भाई यहाँ पर हमें फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और 4 एक उस साइड में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। कार को रगड़ फील देने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे हमें ब्लैक कलर की स्किट प्लेट टाइप का भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी तो टोयोटा का लोगो हो गया, हमारी हाई वीम, लो अपर वीम, लोअर वीम के लिए पूरा एलईडी सेटअप हमें यहाँ लाइट्स का देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर साइड में इसकी लेंथ की बात करता हूँ ना, बहुत है, 4755 mm। भाई अगर इसके व्हील बेस की बात करता हूँ ना, 2850, मतलब स्पेस की तो कहीं से कहीं तक कोई कमी है ही नहीं इस कार में। भाई अगर आप साइड में और चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमें इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी जो हमेशा से रहा है ना, हमेशा से क्या, जब से ये कार आई है हर कोई यही कह रहा है भाई, जो इसके टायर्स हैं अलॉय व्हील्स हैं ना, कार के साथ जा नहीं रहे हैं। कार इतनी लंबी चौड़ी ऊंची, भाई ये ऐसा लगता है दब से गए। और पता है दिक्कत क्या है, अलॉय व्हील छोटे नहीं है, 18 इंचेस के हैं। आप अगर इसका सेक्शन देखेंगे ना, तो इसका सेक्शन है 225/50R18, लेकिन दिक्कत ये टायर छोटे हैं, टायर पतला है, इसलिए ये फील आपको लग रहा है, वरना तो ये 18 इंचेस का अच्छा खासा बड़ा अलॉय व्हील होता है। भाई हाइब्रिड की बैजिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि प्योर हाइब्रिड कार ही अपने सामने खड़ी हुई है। भाई आप पड़ोस में आएंगे मैं, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैसिव एंट्री देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। क्यों भाई, ये बस सेंसर है, सेंसर से काम होता है। यहाँ देखिए बंद हो गई, और यहीं पे मैं इस तरह से करूँगा तो कार अपनी स्टार्ट हो गई, बस ऑन हो गई। तो इस तरह से सेंसर बेस्ड इसमें हमें पैसिव एंट्री देखने के लिए मिल जाती है कार में। भाई आप कुछ देखेंगे तो साइड से इस तरह का बढ़िया सा लुक रहता है कार का। भाई कार को भाई अगर रियर से देखते हैं ना, तो मतलब ये बहुत छोटी बातें हैं सेगमेंट की कार के लिए और इस कार के लिए खास कर से, कि रियर डिफॉगर मिल रहा है, वॉशर यूनिट मिल रही है, शार्फिन एंटीना मिल रहा है, ये बहुत छोटी बातें हैं इस कार के लिए। भाई आप देखेंगे तो रियर साइड में डिफ्यूज एलईडी पूरी देखने के लिए मिल जाती है, बिल्कुल टॉप एंड वेरियंट है। ZX की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, हाइब्रिड की बैजिंग, रियर पार्किंग के लिए आपको कैमरे मिल जाए, कैमरा भी मिल जाता है, मतलब रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, कैमरा भी यहाँ पर कंपनी ऑफर कर दे रही है। बाकी इनोवा हाईक्रॉस, भाई ये नाम ही बस पुराना रह गया इनोवा, पूरी की पूरी गाड़ी बदली जा चुकी है और एक नई कार आपके सामने है। पता है इनोवा डाला क्यों गया, ये इसलिए डाल दिया गया ना, इनोवा की जो लेगेसी चलती आ रही है ना, उसी लेगेसी के नाम से इसे बेचने की कोशिश की जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। इनोवा पुरानी इनोवा जैसा तो कुछ है ही नहीं इस कार में। बाकी इसके बूट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इलेक्ट्रिक बूट है, बस ये बटन दबाना है और जादू देखना है फिर आपको बस इस तरह से। और अगर बूट स्पेस देखेंगे तो भाई 7-सीटर कार है, और 7-सीटर कार के अकॉर्डिंग अगर आप बूट देखते हो बहुत है, मतलब मोर देन सफिशियंट। और साथ में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो बूट लाइट भी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर दे रही है। बाकी देखेंगे तो JBL का स्पीकर भी यहाँ कंपनी आपको ऑफर कर देती है। नीचे देखेंगे तो काफ़ी यही है इसका, जैक वैक सब हो गया, यहाँ भी थोड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 7-सीटर कार के पर्पज़ से अच्छा है। बाकी आप इन्हें भी टम्बल करके बूट स्पेस यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए तो कुछ इस तरह से रहता है इसका रियर व्यू, और फिर से आपको जादू दिखाता हूँ। तो जादू कुछ नहीं करना भाई, इसे फिर से बस प्रेस करना है और ये इस तरह से बंद हो जाएगी, बस जादू देखना है, बटन दबाइए और जादू का आनंद लीजिए। दैट्स इट, बंद हो चुकी है। बाकी आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, यार सी प्लर देख रहे हैं ना, ग्लॉसी ब्लैक टाइप का, बड़ा प्यारा लग रहा है, इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहा है। भाई अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करता हूँ तो भाई हाइब्रिड है, प्योर पेट्रोल नहीं है, मतलब पेट्रोल वाली हाइब्रिड होती है, तो इसकी 52 लीटर की पेट्रोल की कैपेसिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब आप ये सोचो 52 लीटर की कैपेसिटी है, पेट्रोल कार है, आप ये सोच रहे होगा ना इसमें रेंज बहुत कम मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई। कंपनी इसका एवरेज 23.5 का क्लेम कर रही है, 23.5, जिसमें हमें रेंज देखने के लिए मिल जाती है लगभग 1200 किलोमीटर। इतनी भारी भरकम कार 20-22-23 तक का एवरेज, 1200 की रेंज, बहुत बढ़िया, मतलब एक्सट्रीम लेवल काम किया गया है। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं, अंदर चलने से पहले कार की तो भाई की दिखा देते हैं।
इस तरह की कुछ की, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों की रहती है। और ये भी बड़ी कार है यार टोयोटा की भाई। ये अपना लॉक का हो गया, अनलॉक का हो गया, और ये बूट को अनलॉक करने का अपना यहाँ पर बटन मिल जाता है। दोनों की रिमोट कंट्रोल है, इस तरह का कुछ सीन रहता है। बाकी तो पैसे एंट्री देखने के लिए मिलती है। तो फिर चलते हैं कार के अंदर। भाई अगर इंटीरियर की स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले ड्राइविंग साइड गेट से प्रीमियम नेस भर भर के अभी तक क्या होता था भाई, यार इसकी ओपनिंग बड़ी कम है। कल या परसों की बात है, मैं कार में बैठा हुआ था, वरना शूट कर रहा था यार, पूरा 90 डिग्री खुल जाता था। मैं धक्का दे रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहा है उससे उधर, बहुत कम है ओपनिंग। वैसे आप और चीज़ देखेंगे ना, अभी तक टोयोटा की कार में प्रीमियमनेस नहीं मिलती थी भाई। देख रहे हो, सॉफ्ट टच, मेमोरी सीट, दो लोग कार चलाने वाले हो अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लो और यहाँ से सेट कर लो उसे। ऑल फोर पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डर, सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब नहीं करेंगे। साल्टा सिल्वर फिनिश हो गई, बॉटल होल्डर हो गया, स्पेस हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। कार के अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले ये चीज़ें देखिए भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, लेफ्ट राइट सीट्स। और चीज़ें दिखाता हूँ, ये सीट जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं दिए गए हैं भाई, वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये, वेंटिलेटेड। तो सोच लीजिए पूरे आनंद आपको यहाँ मिलने वाले हैं। भाई अगर अंदर स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे टिल्टेड और टेलीस्कोपिक, मतलब इस सेगमेंट की कार के लिए बहुत छोटी बात है ये। भाई आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्रूज कंट्रोल हमें कंपनी ऑफर कर दे रही है यहाँ पर, पूरा लेदराइट स्टेयरिंग, टेलीफोनिक कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, बस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पर डालिए और फिर भगाइए, मजे लीजिए गाड़ी को भगाने के, मतलब आनंद पूरा मिलने वाला है यहाँ पर आपको। पैडल शिफ्टर्स टोयोटा का ये तो पूरा हो गया, छोटा सा फ्लैट बॉटम नहीं दिया है, पूरा राउंड स्टेयरिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। भाई अगर आप इसके MID पर ध्यान देंगे तो ये हाइब्रिड है। आप जब भी इस कार को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का कुछ देखने के लिए मिलेगा, टैगोमीटर नहीं मिलता है। ये हमें इसका स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, और इधर ये चार्जिंग, इको, पावर बूस्ट, सब इसका इधर सीन चलता रहता है यहाँ पर। बाकी यहाँ से ये देख रहे हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब यहाँ से चेंज होता रहता है इजीली। यहाँ से ये अपना ऑडोमीटर आ गया, ठीक है, डन रिपोर्ट है ना। और बाकी इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर इधर आते हैं तो भाई इतनी बड़ी स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। ओ भाई बंद हो जा यार, भाई बंद हो जा, आ जाएगा भाई, 2 मिनट में कॉपीराइट आ जाता है यार। पूरा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से लेस म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। टिकटॉक हजार्ड हो गया, ऑटोमेटिक एसी हो गई, और डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और चीज़ें बताऊँ ना, ये देख रहे हो वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई, ये इस साइड की हो गई, ये इस साइड की आगे की, ड्राइवर को ड्राइवर साइड हमें वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। ये व्यू पूरा 360 व्यू यहाँ से आप कार का देख सकते हैं, ये देखिए। वो बात अलग है यार, कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये इतना बढ़िया नहीं है सही में यार, देख रहा हूँ ये मज़ा नहीं आया। और ये फ्रंट वाला कैमरा है, रियर वाला नहीं, फ्रंट वाला कैमरा है हमारा। तो इस तरह से ये साइड वाले आ गए अपने, ओके डन रिपोर्ट है ना बिल्कुल। बाकी अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, मैनुअल में नहीं आती ये कार। और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर हमें कोई भी हैंड ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी ड्राइव मोड, EV मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना, सारे फीचर्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। इधर ध्यान देंगे तो फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, फैन स्पीड ऑन ऑफ, AC, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं ईज। बाकी आपका हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट, कहाँ गया, मैं फ़ोन कहाँ से चार्ज करूँगा या कुछ और करना है, तो भाई ये रहा, ये है 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें अलग से यहाँ पर दिया जाता है। बाकी अगर इधर ध्यान देंगे आप तो चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड सी टाइप, और बाकी USB लगाने के लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है। इधर देखते हैं तो 2 कप होल्डर हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट देख रहे हो भाई, अल्टीमेट लेवल कितना बड़ा है, तो हाथ आराम से रखिए और गाड़ी चलाते रहिए। अब वहीं अगर इसमें स्पेस की बात करूँ, किताब खोल दो भाई, कितना गहरा है इसमें, तो क्या क्या आ जाए, पूरा बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा है भाई। और किताब बंद कर दो फिर से इसे। भाई अगर इधर ध्यान देते हैं ग्लव बॉक्स में, तो ठीक है, अच्छा खासा स्पेशियस ग्लव बॉक्स हमें देखने के लिए मिल जा रहा है। इधर ध्यान देते हैं तो भाई वैनिटी मिरर विद लाइट, बहुत बढ़िया। इधर बात करता हूँ तो वैनिटी मिरर विद लाइट, बहुत सही। और इधर देखता हूँ तो भाई लाइट्स वाइट सब कुछ मिल रही हैं, ये रही। और बाकी इधर देखिए तो आपको यहाँ पर सनरूफ भी मिल रही है, वो भी पैनारोमिक सनरूफ। ये देखिए यहाँ से हम सनरूफ भी यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं भाई, पैनारोमिक है तो बहुत बड़ी सनरूफ है इसीलिए। ये तो इसका कर्टेन हटाया फिर ये सनरूफ, तो इसे बंद करते हैं अभी यार, गर्मी बहुत हो रही है। अब यहाँ से मैं इसकी सनरूफ को भी हटा सकता हूँ, इस तरह से पूरी सनरूफ खुल जाती है, ठीक है, बंद करते हैं फिलहाल भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से फिर इसका कर्टेन बंद कर देते हैं, ये कर्टेन का है,
ये सनरूफ का है, ये दोनों स्विचेस हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर इसकी IRVM की बात करता हूँ भाई, ऑटोमेटिक है, डे नाइट है, सब कुछ है, मैनुअली एडजस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ओके, डन रिपोर्ट है। बाकी स्पीकर ट्विटर हमें आगे भी देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें। बाकी स्टेयरिंग की बात करूँ ना, बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। बाकी ईवी मोड पर कार है अभी, इसीलिए पता है बिल्कुल भी बाहर आवाज़ नहीं है। देख रहे हैं ईवी रेडी टू गो, इसलिए हमें यहाँ ये सब लिखा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। चलिए ओके, डन रिपोर्ट है ना, आगे का सब कुछ हो गया, अपना ये व्यू हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब पीछे चलते हैं, पीछे से देखते हैं कार को। भाई रियर साइड गेट देखेंगे तो बिल्कुल आगे जैसा ही है। वुडन में आपको ये लेदर देखने के लिए मिल जाता है, ब्राउन लेदर बोल सकते हैं। क्रोम में हैंडल्स हो गए, पावर विंडो के स्विचेस हो गए, बॉटल होल्डर, स्पीकर कुछ खास नहीं है। बाकी अपनों को कर्टन्स देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर इस तरह से। बाकी आप बोलेंगे तो रियर में आपको कुछ भी ऐसा खास यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। जो खास बातें हैं ना वो गेट में नहीं है, वो यहाँ पे है भाई। अब मैं यहाँ बैठता हूँ तो अब आपको खास चीज़ें दिखाता हूँ। अभी क्या नॉर्मल सीट है ना भाई, आर्मरेस्ट तो आता ही है, टोयोटा महिंद्रा का ये तो रहा ही है, यहाँ आर्मरेस्ट मिलता ही मिलता है। अब मैं खास चीज़ें दिखाता हूँ, इसे बेड बनाता हूँ, जो कि आपको कहाँ नहीं मिलता, इन्वेक्टो में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये देखिए भाई, आप आराम से जा रहे हैं ना, थकान हो गई है, नीचे पैर आराम से उठेंगे भाई इस तरह से, देख रहे हैं। अब मुझे पीछे जाना है भाई, तो पीछे का भी सीन, और ये सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। आप इधर देख सकते हैं सीट्स में, ये कंट्रोल्स हम सारे यहाँ से देख सकते हैं इजीली। ये देखिए पीछे रिक्लाइन होती जा रही है सीट यहाँ पर इजीली। और बाकी आपको आगे पैरों वाला बढ़ाना है तो आप देख पाएंगे यहाँ से, ये रहा अपना, ये इस तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से अब मैं इसको पीछे भी कर सकता हूँ पूरा, और आगे से पैर को ऊपर कर सकता हूँ। मतलब आप पूरा आराम से बैठ के जाइए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत इजीली। नहीं भाई, आपको अगर पीछे जाना है तो आप या तो इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, वरना बीच से भी जा सकते हैं। अब आप कहोगे यार मैं बीच से कहाँ से जाऊँगा, बीच में तो ये है, तो इसे भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसका स्विच है हल्का सा, इसे दबाया और ये नीचे आ गया। अब आप यहाँ से भी पीछे जा सकते हो ईजिली। भाई अगर मैं एसी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं साइड में हमें एसी बैंड्स मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है। इन एसी बैंड को ऑन ऑफ कहाँ से करना है, तो भाई ये देखिए पीछे के लिए ऑटोमेटिक एसी पूरा आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप ईजिली यहाँ से कंट्रोल कीजिए। ये देख रहे हैं दो दो सी टाइप चार्जिंग पिन दी हुई है, यहाँ से आप आराम से चार्जर भी लगा सकते हैं यहाँ पर आराम से बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से आपको आराम से सीट देखने के लिए मिल जाती है। और देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें देखिए, ये देखिए 4 किलो तक सामान यहाँ लटका लीजिए भाई आराम से। ये देखिए 4 kg इस पर लिखा हुआ भी है मैक्सिमम वेट। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे का कंफर्ट देखते हैं भाई। पीछे चलने के लिए या तो बीच का रास्ता ले सकते हैं, वरना इसे भी आगे कर सकते हैं हम इस तरह से भाई यहाँ पर, और वरना इसे मैं ऑल डाउन भी कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह से, इसे आगे ले आता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं पीछे यहाँ से। ओके, और भाई अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, वैसे ऐसे तो सीट्स कंफर्ट है, मैं इन्हें पीछे भी कर सकता हूँ यहाँ से, एंगल इनका ये ठीक है, अच्छी है। बैक के हिसाब से ठीक है यार, बैक में इतना ही कंफर्ट मिलता है। बाकी अगर रियर में बात करता हूँ तो इधर एक हमें चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहा है, दो दो एक बॉटल होल्डर, कप होल्डर, बस इधर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, बॉटल होल्डर कप होल्डर हमें इधर भी मिल जाता है। ओवरऑल आप बोल सकते हो ठीक है, थर्ड रो में इतना ही कम्फर्ट मिलता है, इससे ज़्यादा यार नहीं मिल पाता कहीं भी कम्फर्ट। चलिए तो ओवरऑल कुछ इस तरह से रहता है कार का व्यू अंदर से। भाई अगर आप पीछे से उतर रहे हो ना, पैर स्लिप ना हो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ें देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रिप दी हुई है यहाँ पर, ताकि आपका पैर फंसे, फ्रिक्शन बना रहे, सेम यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ें दी गई हैं, जिससे कि आपका पैर फंसा रहे हो, आप इजीली स्लिप ना हो, आराम से आप चढ़ सकें उतर सकें यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ इस तरह से था कार का इंटीरियर, मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो आपने फुल्ली कार को एंजॉय किया होगा काफ़ी कुछ, क्योंकि हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, ये अपने सामने जो वेरियंट खड़ा हुआ है इनोवा एक्रॉस का ZX वेरियंट, इसके अगर एक शोरूम प्राइस की बात करता हूँ तो 30,25,000 रुपये आपको एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिलता है। भाई अगर ऑन रोड की बात करूँ तो आप मोटा मोटा अपने शहर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, सबके यहाँ RTO अलग अलग होता है, हमारे यहाँ तो ये करीब आप बोल सकते हो 34.5 लाख के करीब ऑन रोड पड़ जाती है। फिलहाल गाड़ी बहुत बढ़िया है, इनोवा, पुरानी इनोवा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बस नाम इसलिए ले लिया गया है ना, जो इनोवा की लेगेसी चल रही थी उसी से इसे भी बेचने की कोशिश की जा रही है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार। कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।